इसका नेम है दालचीनी और इसका बायोलॉजिकल नेम है सिन्नामोमम वेरम और इसकी फैमिली है लॉरेंसी और इसका यूजेज जो है वो है डायबिटिक में यूज होता है, फंगल इन्फेक्शंस में यूज होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका यूज होता है। आज हम बात करेंगे तुलसी क्रूड ड्रग की। तुलसी का हम सिनोनियम कहते हैं होली बेसिल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज द फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ ओसिनम स्कैंटम। इट इज बिलोंगिंग टू फैमिली लेमनिएसी और इसका यूजेज हम करते हैं इंसेक्टिसाइडल में और बैक्टीरिसाइडल और फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट में इसका यूज करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इलायची क्रूड ड्रग के बारे में। इसका जो सिनोनियम है वो है कार्डामम और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है बेड्रेसी कार्डामियम और सर इसकी जो फैमिली है वो है, सर इसकी फैमिली जो है वो है जिंजीबेरेसी। इसका यूज़ सर हम वोमिटिंग, नोजिया और सर कफ और सर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिसीज है उसमें करते हैं। आज हम बात करेंगे मोगरा के बारे में। ये मोगरा का प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम जैस्मिनम सैम्बेक है और फैमिली नेम ओलिएसी। इसका यूज़ आई डिसऑर्डर्स, एंटीसेप्टिक और स्ट्रेस दूर करने के लिए करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ लावण्या जौहरी। आज हम एसाफोर्टिडा के बारे में बताएंगे। एसाफोर्टिडा को हम हिंदी में हींग बोलते हैं और ये अनवेली फेरा फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, हम लोग लिविंग राइजोम्स और उसके राइप फ्रूट्स और उसके रूट से हम ऐसे लेते हैं। उस प्लांट का नाम होता है फेरुला फोर्टिडा और इसका यूज हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ डाइजेस्टिव एजेंट्स और स्टमक पेन एस्थमा में करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ सिंह है। आज हम अपने कॉलेज के हर्बल गार्डन में आए थे। यहाँ पे हमारे हर्बल गार्डन में एक प्लांट है कार्डामम, जिसे हम छोटी इलायची के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती है और ये मूत्रवर्धक भी होते हैं और इनमें मसालों के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन पेशेंट मतलब कि इमरजेंसी की कंडीशन में इमरजेंसी है तो इसके लिए कोई होगा ठीक है, या फिर जनरली बाढ़ में हो जाते हैं अगर ठीक है। इसमें जो हॉस्पिटल होता है उसके बारे में हमें बात ठीक है, चाहे वो जनरल मेडिसिन वार्ड हो, चाहे वो आर्थो वार्ड हो, चाहे वो गायनी वार्ड हो, या फिर डॉक्टर ठीक है, या फिर ठीक। अब बात करें कि आउटडोर पेशेंट और इन पेशेंट, और जो दो पेशेंट होते हैं वो आते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ठीक। उसके बाद जो चार्ज होता है जो 200 रुपये चार्ज होता है ठीक, वो पे करते हैं। उसके बाद डॉक्टर की लगी हुई होती है, वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर क्या करते हैं डायग्नोस अच्छे से, डायग्नोस करने के बाद जो भी डायग्नोस होने वाला है दवाई लिखता है, उसके बाद फार्मेसी का और बाकी सब एक मेन ठीक है, कॉमन ठीक है। सोचना समझ में आया।